जी डियर स्टूडेंट्स, आई एम सैयद जमल हुसैन नकवी, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर थ्रू प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज एग्ज़ाम्स। लेकिन इससे ज़्यादा जो मेरा तारुफ है वो तारुफ ये है कि आई एम टीचिंग टू द स्टूडेंट्स ऑफ कम्पटिटिव एग्ज़ाम सिंस 2017 एंड मोर देन 100 स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लासेज हैव बीन एलोकेटेड इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड बींग अ टीचर इज़ माई एक्चुअल introduction that needs to be that I need to be introduced. So I'll say that it is not that I am an officer, I am an PMS qualifier, I am a PS allocatee. No, it is not the real introduction. The real introduction is that I am the one who is teaching for these MCQs exams. We were the pioneers of this preparation schedule in Islamabad, and then we had to shift to our campus to Lahore because of my allocation in PMS Punjab in 2017 exam. And currently, मैं जो ये आपको बताने जा रहा हूँ, this is about FIA के अंदर जो jobs आ रही हैं आपकी। FIA के अंदर जो जॉब्स आ रही हैं, इसमें ग्रेड 17 के ऊपर भी डायरेक्ट हायरिंग होती है, ग्रेड 16 पे भी डायरेक्ट हायरिंग होती है, और आपको पता है कि जितनी भी फेडरल गवर्नमेंट की जॉब्स होती हैं, इन जॉब्स के अंदर प्रीडोमिनेंटली ग्रेड 1 से 15 तक के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो डिपार्टमेंट खुद कंडक्ट कर रहा होता है, या वो किसी टेस्टिंग सर्विस के ज़रिए से कर रहा होता है। जिस तरह से अभी जो ग्रेड 1 से 15 की सीट्स FIA में आई थी, उन सीट्स को थ्रू ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी कंडक्ट करने जा रहे हैं उसका एग्ज़ाम, जिसके अभी लास्ट 21 जून थी अप्लाई करने की। इसी तरह से मीनवाइल इसके अंदर जो सीटें वैकेंट हुई, उसमें हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर की 9 सीटें और इसकी मेरे ख्याल है 140 प्लस सीट्स हैं जो कि इंट्रोड्यूस हुई हैं इंस्पेक्टर के लिए। सो जब आप इन सीट्स की बात करते हैं, तो ये कौन सी जॉब्स हैं, इनको आपने कैसे प्रिपेयर करना है, इसका एग्ज़ाम कैसे होगा, हम इसको स्टार्ट करने लगे हैं। कम विद मी। सो असिस्टेंट डायरेक्टर की जो जॉब है, इसके अंदर सबसे पहले स्टेप्स बताऊँ। नंबर एक, एडवर्टीजमेंट। अभी तक इसको एडवर्टाइज नहीं किया गया, ये अभी सिर्फ इनकी मंजूरी हुई है। एडवर्टीजमेंट होगी ऑन फ्राइडे। कौन सा फ्राइडे? फर्स्ट फ्राइडे ऑफ कमिंग मंथ। मोस्ट प्रोबेबली जो भी पहला फ्राइडे होगा, कमिंग मंथ से मुराद यहाँ पे ये जुलाई में भी आ सकता है, और अगर जुलाई में नहीं आया तो ये अगस्त में लाजमी आ जाएंगे। ये लाजमी तौर पे अगर जुलाई में इंट्रोड्यूस नहीं होती तो ये अगस्त में लाजमी तौर पे एडवर्टाइज़ हो जाएंगी। जैसे ही ये जॉब्स आपकी एडवर्टाइज़ होंगी, देन आपके पास आपको मिलेंगे 15 दिन अप्लाई करने के लिए। 15 डेज़ के अंदर अंदर आपने अप्लाई करना होगा। जिस फ्राइडे को ये इंट्रोड्यूस होंगी, उससे ऑनवर्ड आगे 17 डेज बनेंगे, बिकॉज के फ्राइडे को ये वेबसाइट पे आएंगी, संडे वाले दिन ये आपके न्यूज़पेपर्स में आएंगी, और संडे से ऑनवर्ड 15 डेज आपको अप्लाई करने के लिए मिलेंगे, और आप इसको अप्लाई करेंगे वेबसाइट पे जिसका नाम है federalpublicservicecommission.gov.pk। ये वेबसाइट है, जिस वेबसाइट पे आप जाएंगे, अपना ऑनलाइन पोर्टल बनाएंगे, उस ऑनलाइन पोर्टल को आप क्या कर रहे होंगे, अप्लाई कर रहे होंगे। इसको जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर लेंगे, तो आपको किसी किस्म के हार्ड डॉक्यूमेंट भेजने की ज़रूरत नहीं है जब आप इसमें अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए क्राइटेरिया क्या? क्राइटेरिया ये है कि हमारे पास जो असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट है, इस असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट के लिए आपको मास्टर्स, BS ऑनर्स, कोई और 4 or 5 ईयर्स प्रोफेशनल डिग्री, कोई भी हो सकती है, कोई भी 4 या 5 साल जो प्रोफेशनल डिग्री है ये आपके यहाँ पे होनी चाहिए, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। एज कितनी होनी चाहिए? एज दोनों के लिए एक जैसी है, मैं ये इकट्ठी बता देता हूँ बाद में आपको। देन देयर कम्स ये जो आपकी असिस्टेंट डायरेक्टर का एग्ज़ाम है, इसके अंदर आपके पास इसमें सेकंड डिवीजन भी होना ज़रूरी है। अगर आप थर्ड डिवीजन है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। और ये कब होना चाहिए? बिफोर लास्ट डेट, जो लास्ट डेट है वो आपके डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। आप होप सर्टिफिकेट की बेस पे कि आप ये कहें कि जी मेरा एग्ज़ाम
कंडक्ट हो गया है, मेरा रिजल्ट आने वाला है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया तो मैं अप्लाई कर दूं, तो आप उसके लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो बिफोर लास्ट डेट आपकी जो एज की कट ऑफ डेट भी यही है, एंड एट द सेम टाइम आपकी जो डिग्री है वो भी इससे पहले कंप्लीट होनी चाहिए। इसके बाद अगर कंप्लीट होगी तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आपकी जो डिग्री है वो इससे पहले कंप्लीट होनी चाहिए। ये है आपका असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए, सेम ऐसे ही आपके पास आ जाएगा इंस्पेक्टर के लिए। इंस्पेक्टर के लिए आपका बीए, बीएससी या कोई भी 2 या 4 या 5 साल जो ग्रेजुएशन जिसे हम कहते हैं, ये डिग्री होनी चाहिए। ये आपके पास 2, 4 या 5 साल ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, देन आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। और इसके लिए भी यही शर्त है कम से कम सेकंड डिवीजन हो। हाँ, एक चीज़ है कि अगर आपकी ग्रेजुएशन में सेकंड डिवीजन नहीं है लेकिन आपने मास्टर्स किया हुआ है, तो देन यू आर अलाउड कि आप अपने उस मास्टर्स की बेस पे इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसको अप्लाई करके आप क्या कर सकते हैं, अगर मास्टर्स में आपकी सेकंड या फर्स्ट डिवीजन है तो आपको ग्रेजुएशन की थर्ड डिवीजन का क्या हो जाएगा, नुकसान नहीं होगा। सो दिस इज़ हाउ आई नीड ये, तो आपको इसका नुकसान नहीं होगा। देन देयर कम्स एज। अब आ जाइए मेरे साथ आप एज पे। एज कैसे कैलकुलेट होगी, जो आपकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की, इस लास्ट डेट पे आपकी एज मैक्सिमम लिख रहा हूं, मिनिमम तो अभी अनाउंस होगी, ये 33 इयर्स होनी चाहिए। एड में लिखा होगा 28 इयर्स प्लस 5 इयर्स जनरल एज रिलैक्सेशन, सो वो जनरल एज रिलैक्सेशन सबके लिए होती है। यू कांट से कि जी पर्सन ए इसको क्लेम कर सकता है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट इसको क्लेम कर सकता है, कोई और इस तरह की पर्सनैलिटी क्लेम कर सकती है। नो, जनरल एज रिलैक्सेशन इज फॉर एवरी वन अक्रॉस द पाकिस्तान, पूरे के पूरे आपको जनरल एज रिलैक्सेशन जो है वो मिल जाती है। देन देयर कम्स इज देयर एनी एज रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन के रूल क्या है ये मैं आपको बताता हूं। एज रिलैक्सेशन के रूल्स क्या रूल्स हैं जी, एज रिलैक्सेशन के लिए आपके पास यहां पे आता है जो रूल नंबर 1 है वो ये है कि आप सर्टेन कम्युनिटीज से बिलोंग करते हो। आई एम गोना शेयर वो एग्जैक्ट वर्ड्स आपसे ले जी। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू कौन कौन से, एज रिलैक्सेशन जो मिलती है 3 years प्लस, यानी कि 33 + 3 बराबर है 36। किन लोगों के लिए होगी, ये उन लोगों के लिए होगी कि जो लोग बिलोंग करते हैं किससे, नंबर 1 जो बुद्धिस्ट हैं, पाकिस्तान के अंदर जो लोग बुद्धिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उन लोगों को मिल सकती है, नंबर 1। ये 3 years फर्दर एज रिलैक्सेशन, यानी वो 36 years तक जा सकते हैं। सेकेंडली ये किसको मिल सकती है, उन लोगों को मिल सकती है जो लोग बिलोंग करते हैं कहाँ से, फाटा से। आजकल तो फाटा केपी का हिस्सा बन गया बट स्टिल इनको ये मिलता है। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान वालों को भी, इसी तरह से एजेके वालों को भी ये 3 साल की रिलैक्सेशन मिलती है। तो इस कम्युनिटी से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो आपको ये 3 साल मजीद रिलैक्सेशन मिल सकती है। यानी कि बाकी पूरे पाकिस्तान के लिए एज लिमिट है 33 years, लेकिन अगर आप इन सर्टेन जो हमारे पास इलाके हैं फाटा जीबी और एजे के इससे बिलोंग करते हैं, या आप बाय फेथ बुद्धिस्ट हैं, तो देन यू कैन अवेल दिस फर्दर 3 years एज रिलैक्सेशन, तो ये हो जाएगी 36 years। फिर हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट कि हमारे पास कैंडिडेट जो लोग सर्व कर रहे हैं, सर्विंग कैंडिडेट्स जो लोग इस टाइम सर्व कर रहे हैं, सर्विंग इन गवर्नमेंट, वो कोई भी हो सकता है। आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के मुलाजम हैं, आप गवर्नमेंट ऑफ सिंध के मुलाजम हैं, आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुलाजम हैं, कोई भी हो सकता है। गाड़ी से टिशू ले। गवर्नमेंट ऑफ, ये जो सर्विंग इन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जब आप जाएंगे ना तो इसके अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, आपको मिलेगी रिलैक्सेशन कितनी, अगर आपकी, अगर 2 साल कम अज़ कम सर्विस हो,
तो कितनी रिलैक्सेशन मिलेगी अगर 2 साल सर्विस हो जाए तो आपको मैक्सिमम 10 ईयर्स तक की रिलैक्सेशन मिल सकती है, यानी कि आप 43 की एज तक क्लेम कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी सर्विस जो है वो कम से कम 2 साल है। ये हमारे पास इसकी एज रिलैक्सेशन के बारे में आ जाएगा दोनों में, बोथ इन असिस्टेंट डायरेक्टर एंड इस इंस्पेक्टर। अगर आपने 2 साल गवर्नमेंट में सर्व किया है और अभी करंटली सर्व कर रहे हैं, बाज़ लोग होते हैं उन्होंने 2 साल सर्व कर लिया होता है फिर रिज़ाइन कर दिया, छोड़ दिया, चले गए, तो उन लोगों को ये नहीं मिल सकता। अगर आपने आर्म्ड फोर्सेस के अंदर सर्व किया है, आर्म्ड फोर्सेस में कम से कम 15 या 13 साल शायद सर्व करना होता है, वो जो अगर आपने 15 या 13 साल सर्व किया है तो देन किया है, देन आपको 15 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन मिलती है, यानी कि देन आप 48 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। सो ये जो एज रिलैक्सेशन के रूल्स हैं ये मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा अगर किसी के फादर गवर्नमेंट सर्वेंट हों एंड ही डाइज ड्यूरिंग सर्विस तो फिर क्या होता है, उन लोगों को भी फाइव ईयर्स की एज रिलैक्सेशन मिलेगी। अगर किसी के फादर इन सर्विस फौत हुए हैं तो उसको, अगर इन सर्विस किसी के फादर फौत हुए हैं तो उसको 33 + 5 = 38 तक वो अप्लाई कर सकता है। उसकी विडो भी अप्लाई कर सकती है अगर कोई शख्स इन सर्विस फौत हुआ है, इफ़ शी इज़ लेस देन 38 ईयर्स वो अप्लाई कर सकती है। किसी के जो फादर हैं वो उनका इंतकाल हुआ है या मदर का इंतकाल हुआ है तो वो ये 38 ईयर्स तक क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। देन देयर कम्स एक और यहाँ पे है कि अगर कोई शख्स डिसेबल्ड है, आमतौर पे जो डिसेबल्ड होते हैं, डिसेबल्ड इनको आमतौर पे जो ये आपकी इंस्पेक्टर वाली जॉब है इसके अंदर ये अप्लाई नहीं कर सकेंगे क्योंकि इसके अंदर हाइट चाहिए, चेस्ट चाहिए और वो आपको फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए, लेकिन एडी के लिए शायद ये अप्लाई कर सकें। तो इनको 10 ईयर्स जनरल एज रिलैक्सेशन मिल जाती है, यानी 33 + 10 43 ईयर्स की एज तक ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। सो ये था एज का प्रॉब्लम जो अक्सर लोग सवाल कर रहे होते हैं कि मेरी इतनी एज हो गई है मैं अप्लाई कर सकता हूँ नहीं कर सकता। तो इसमें स्ट्रेट फॉरवर्डली लास्ट डेट को अगर आप 33 साल और एक दिन के हो गए और इन कैटेगरीज में से किसी कैटेगरी में फॉल नहीं करते देन यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस। अगर आप इन कैटेगरीज में से किसी में अप्लाई कर सकते हैं और आपकी उम्र फॉर एग्जांपल एजे के से हैं और 36 तक आप अप्लाई कर सकते हैं लास्ट डेट को, अगर आप फाटा से हैं तो 36 तक, जीबी से हैं तो 36 तक। सेम जो लोग गवर्नमेंट जॉब में सर्व कर रहे हैं अगर उन 2 साल सर्व कर लिया कम से कम तो उनको फिर 10 ईयर्स तक एज रिलैक्सेशन हो जाएगी। सेम इज़ द केस विद आर्म्ड फोर्सेज, अगर आपने उसमें सर्व किया आप वहाँ से रिटायर हुए हैं और रिटायर होने के बाद आपको भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ तो आप 48 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह डिसेबल्ड जो हैं ये 43 ईयर्स की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। ये था सारा एज का मामला जो अक्सर लोगों को समझ में शायद नहीं आ रहा होता। तो ये इसके फेडरल गवर्नमेंट के रूल्स हैं। हम आगे मूव करते हैं। आइए मेरे साथ अब आ जाता है इसके लिए सिलेबस क्या होगा। सेकंड हाफ सिलेबस क्या होगा, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जब ये जॉब्स अनाउंस करती है तो जॉब्स के अनाउंस करने के साथ ही उसका सिलेबस अनाउंस नहीं करती बल्कि कुछ अरसे के बाद इसका सिलेबस अनाउंस करती है। ये जो सिलेबस आपको अनाउंस करती है इसके अंदर मैं आपको मुख्तलिफ पार्ट्स बनाने लगा हूं। इसके सिलेबस के अंदर 2 हिस्से होंगे। जो फर्स्ट पार्ट होगा दैट विल बी इंग्लिश और सेकंड पार्ट को कहेंगे ये जनरल एबिलिटी। जो इंग्लिश का पोर्शन है दैट इज 20% और ये सारे क्या हैं एमसीक्यूज हैं। एंड जो जनरल एबिलिटी है ये आपका 80% है and this is also MCQs based. English 20%, general ability 20%. ये जो general ability है ये आगे further 2 तरह का होगा।
जो आपका असिस्टेंट डायरेक्टर है और जो इंस्पेक्टर है, इनके अंदर माइनर सी चेंज होगी। इसके अंदर आपके यहाँ पे पाकिस्तान स्टडीज 8 नंबर का होगा और इंस्पेक्टर में 10 एमसीक्यूज होंगे पाकिस्तान स्टडीज के। देन देयर कम्स इस्लामिक स्टडीज, ये भी 8 नंबर का और ये 10 नंबर का। आपके पास आ जाएगा थर्ड पोर्शन एप्टीट्यूड सेक्शन, ये 16 मार्क्स का होगा और ये 20 मार्क्स का होगा। देन आपके पास आ जाएगा जनरल साइंस, ये 16 मार्क्स का होगा, ये 20 मार्क्स का होगा। कौन सा पोर्शन रह गया? जनरल नॉलेज 16 नंबर का, 20 नंबर का। एक पोर्शन जो इसके अंदर, जो कि हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर के पेपर में होगा लेकिन दूसरे में नहीं होगा, दैट इज FIA एक्ट, ये 16 नंबर का होगा, यहां पे ये 0 नंबर का होगा। सो दिस इज हाउ एक 100 नंबर का पेपर आपका कंडक्ट करेगी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके अंदर पाकिस्तान स्टडीज के 8 नंबर के एमसीक्यूज होंगे और इंस्पेक्टर में 10 नंबर के, इस्लामिक स्टडीज में 8, 10, 16, 20, 16, 20, 16, 20, 16 और 0। ये यहाँ पे जो 16 चार चार दो दो नंबर बचाए थे वो यहाँ पे 16 नंबर FIA एक्ट की शक्ल में आ जाएंगे। अगर आप FIA एक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो डेफिनेटली ये इसमें जो मार्क्स हैं वो आप पूरे ले सकते हैं। मेरे साथ आए, मैं अब आपको बताऊंगा कि इसमें फर्दर डिवीजन कैसे होती है हर सब्जेक्ट वाइज, अब आपको मैं बताऊंगा। ये जो 20% MCQs हमारे इंग्लिश के होंगे, इसमें दो तरह के हेड्स होंगे। एक वो होंगे जो ग्रामर बेस्ड होंगे, दूसरे वो होंगे जो वोकैबुलरी बेस्ड होंगे। जो इंग्लिश का सिलेबस है ये दो हिस्सों में डिवाइड होगा, जो फर्स्ट है दैट विल बी ग्रामर बेस्ड, जो सेकंड है दैट विल बी वोकैबुलरी बेस्ड। ग्रामर बेस्ड के अंदर हमारे पास जो चीजें आती हैं, सबसे पहले उसमें आएगा हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच, दूसरे नंबर पे हमारे पास आएंगे टेंसेस, तीसरे नंबर पे आएंगे हमारे पास पैसिव वॉइस, चौथे पे आ जाएगी नरेशन, पांचवें नंबर पे आ जाएगी पंक्चुएशन, एक क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट करता है जी आप प्रेपोजिशन का जिक्र नहीं कर रहे, प्रेपोजिशन इज अ पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, सो वो उसके अंदर से आपने इसको देखना है। देन आ जाएगी आपके पास करेक्शन, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में उलमा अंग्रेजी का इख्तलाफ है। बाज उलमा कहते हैं कि जी ये 8 हैं और बाज कहते हैं 9 हैं। 8 हो या 9 हो नंबर नहीं आएगा कितने हैं, लेकिन आपको 9 की 9 चीज़ों पे ग्रिप होनी चाहिए। सेम इज़ द केस विद टेंसेज, टेंसेज के जो हैं हमारे 12 के 12 टेंसेज, इस पर आपको ग्रिप होनी चाहिए। पैसिव वाइज कितने टेंसेज का बनता है, 8 का बनता है, आपको उनका पूरा ग्रिप होनी चाहिए। देन देयर कम्स नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो आप जिसे आप कहते हैं वो, पंक्चुएशन में गिने चुने साइंस हैं, उन साइंस का करेक्ट यूज़ आपको आना चाहिए। इस तरह करेक्शन है। करेक्शन के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग जो नॉन नेटिव स्पीकर हैं अंग्रेजी के, हम लोग मैक्सिमम जो गलतियाँ करते हैं वो करते हैं इसके अंदर 80,
अब मुमकिन है मेरे जैसा बंदा जो टाट स्कूल से पढ़ा हुआ है वो कर रहा हो 50 गलतियाँ, और अगर आपने किसी अच्छे स्कूल से पढ़ा हुआ है तो आपकी 10 गलतियाँ हों, लेकिन टोटल गलतियाँ कितनी होती हैं करेक्शन में, 80 गलतियाँ होती हैं वो आपने ठीक करनी होती हैं, और उसके बाद आपको अंग्रेज़ी के लिए किसी मुश्किल का आप शिकार नहीं रहते। इसके लिए रिकमेंडेड बुक जो है अगर आप मुझसे पूछें तो वैसे तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, लेकिन इस पोर्शन के लिए जो बुक रिकमेंडेड है उस वो है रेन एंड मार्टिन। अलबत्ता एक प्रॉब्लम हमारे सामने आती है कि जी ये पोर्शन आना है कोई ग्रामर वाला पोर्शन अबाउट 12 नंबर का, इन 12 नंबर्स के लिए हम पूरी रेन एंड मार्टिन को छान मारें तो ये बड़ा अजीब सा है। जिन लोगों ने तो CSS में इसको अच्छे से पढ़ा हुआ है या जिन लोगों ने स्कूल लेवल में ओ लेवल ए लेवल में इसको अच्छे से पढ़ा हुआ है तो वो उन लोगों के लिए तो ये कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन जो लोग जिन लोगों की अंग्रेज़ी बहुत स्ट्रांग नहीं है तो उन लोगों को यहाँ पे किसी गाइड की किसी हेल्पर की किसी मेंटोर की ज़रूरत पड़ेगी। देन देयर कम्स वोकैबुलरी। वोकैबुलरी के अंदर हमारे पास आते हैं नंबर एक सिनोनिम्स। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फिर हमारे पास आ जाते हैं होमोफोन्स, या जिसे आप उर्फ़े आम में कहते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स। फिर आते हैं आपके पास फ्रेजल वर्ब्स। देन आपके पास आ जाते हैं ईडियम्स। देन आपके पास आते हैं प्रोवर्ब्स। ये चीज़ें आपकी वोकैबुलरी से मुतल्लिका होती हैं, और जब ये वोकैबुलरी से मुतल्लिका होती हैं तो देन आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ये चीज़ें हैं जो दिखने में हमें लगता है कि शायद ये अनसीन है। अनसीन से मुराद ये है कि इसको हम जितना भी प्रिपेयर कर लें हम इसको याद नहीं रख सकते, बट देर इज़ अ वे कि इसको कैसे प्रिपेयर करना है। हम अपनी क्लासेस के अंदर आपको ये डिटेल्ड बता रहे होंगे कि कैसे इसको प्रिपेयर किया जा सकता है। ये है आपका 20 मार्क्स का इंग्लिश का सिलेबस। ये तकरीबन आपके पास 8 मार्क्स के होंगे, 8 MCQs होंगे। फॉर्चुनेटली दैट इज़ अ गुड थिंग कि इस इंग्लिश वाले पोर्शन के ऊपर हम लोग अपनी जो मेरी बेसिकली ये ज़ाती कंपाइलेशन है वो मार्केट में कुछ दिनों में आने वाली है, तो दैट विल आल्सो बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल व्हाइल यू विल बी इसको तैयारी कर रहे होंगे। सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं सिलेबस में। जो पहला पार्ट है इसके अंदर दैट इज कॉल्ड एप्टीट्यूड सेक्शन। डियर स्टूडेंट्स, ये जो एप्टीट्यूड सेक्शन है ये सेक्शन आपके पास 20 मार्क्स के MCQs आएंगे। ये वो सेक्शन है कि जिसको अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो दिस इज़ श्योर कि आप 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स इसमें हासिल कर सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ कि हम लोग जब इसको प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो एक मामला दरपेश आता है, वो ये है कि हम इसको छोड़ देते हैं। जिन लोगों का थोड़ा सा अच्छा बैकग्राउंड होता है वो इसलिए छोड़ देते हैं इसे कि जी ये तो मैथ तो मुझे आती है जी। जिन लोगों का इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है या जिन लोगों का कोई और इस तरह का बैकग्राउंड है वो तो इस चक्कर में छोड़ देते हैं कि जी मैथ तो हमें आती है, हमें वो प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। कल मैं जब क्लास में पढ़ा रहा था तो मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए, इंजीनियर्स ने सबसे ज़्यादा गलत किए। क्यों? बिकॉज ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस। अगर इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे ये 20 आउट ऑफ 20 दे सकता है, मेरे साथ आए सिलेबस पे इसमें क्या होता। नंबर एक पे होता है आपका बेसिक्स ऑफ एरिथमेटिक्स। इसमें आपके पास सबसे पहली चीज आती है बॉर्ड मैथ। बॉर्ड मैथ क्या होता है जी? ब्रैकेट या बार, देन ऑर्डर, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन
सब्ट्रैक्शन, ये आपके पास बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक्स आती हैं। नंबर दो पे हमारे पास आ जाता है इसमें जो क्वेश्चन आता है, दैट इज़ रिलेटेड टू, डोर बंद कर दीजिएगा, दैट इज़ रिलेटेड टू बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक्स के अंदर हमारे पास जो दूसरी चीज़ आ रही है वो आ जाती है आपकी बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो चीज आती है दैट इज बेसिक्स ऑफ जियोमेट्री। ये तीन चीजें तो बेसिक्स में आ जाती हैं। कुछ चीजें आ जाती हैं हमारे पास अप्लाइड, जैसे हमारे पास आ जाता है स्टैटिस्टिक्स से मुतल्लिका चीजें जिसे आप कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में चार चीजें आती हैं, रेंज, मीन, मीडियन, मॉड, ये चार चीज़ें सेंट्रल टेंडेंसी में आ जाती हैं। देन हमारे पास आ जाता है नंबर पाँच पे परसेंटेज, नंबर छः पे हमारे पास प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट डेप्रिसिएशन एंड लाइकवाइज दीगर इससे मिलती जुलती चीज़ें, ये आपके छठे नंबर पे आ जाएंगी कि इसमें इस एप्टीट्यूड वाले सेक्शन के अंदर। नंबर सात में जो चीज़ हमारे पास आएगी दैट विल बी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का एक सवाल पेपर में लास्ट में आता है। नंबर आठ में हमारे पास, चलें इतना ही काफ़ी है, मज़ीद भी इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, अभी मैं इसको इतना ही आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ये सारा वो पोर्शन है जो बचपन से लेके अब तक आप पढ़ते आए हैं, और ये वो चीज़ें हैं कि जिनके अंदर आपने एक फार्मूला लगाया और फार्मूला लगाने के बाद आपने सोचा एंड दैट्स कम्प्लीटली ओके और हल हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? एक्चुअल प्रॉब्लम आती है इसके एप्टीट्यूड वाले सेक्शन पर, जिसको आप कहते हैं जी एप्टीट्यूड सेक्शन। एप्टीट्यूड सेक्शन के अंदर आपके पास क्या क्या आता है? एप्टीट्यूड सेक्शन में नंबर एक पे आपके पास आएगी जो पहली पहली चीज़, दैट इज़ लॉजिकल रीजनिंग। दूसरे नंबर पे जो चीज़ आएगी लॉजिकल रीजनिंग के बाद हमारे पास, दैट विल बी ट्रेन्स, टनल्स, ब्रिजेस, प्रॉब्लम्स। नंबर तीन पे आ जाएगा आपके ब्लड रिलेशन, वो जो अक्सर आता है कि फलां की नानी की दादी की बहन की माँ के वालद आपके क्या लगेंगे, तो जो इस तरह के अजीबोगरीब किस्म के क्वेश्चंस होते हैं इनको हम ब्लड रिलेशन टेस्ट कहते हैं। ये वो चीज़ें होती हैं जिनको आप बड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नंबर चार पे आ जाएंगी एज प्रॉब्लम्स। नंबर पांच पे हमारे पास आ जाएगा कैलेंडर प्रॉब्लम्स। अगर आप मुझे अभी पूछें कि सर फलां तारीख को कौन सा दिन था, तो विद द कैलकुलेशन ऑफ टू और थ्री लाइंस आई कैन टेल यू कि जनाब जिस दिन ज़ियाउल हक ने भुट्टो को फांसी पे चढ़ाया उस दिन कौन सा दिन था, आई कैन टेल यू जस्ट एक छोटी सी कैलकुलेशन करके। ये होता है कैलेंडर प्रॉब्लम, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ आर सिलेबस। पहले ये इंडियन एप्टीट्यूड एग्जाम्स में तो आ रहा होता था, आई वॉज टीचिंग सिंस देन, लेकिन अब ये पाकिस्तान में FPSC ने भी इंट्रोड्यूस करवा दिया है। कैलेंडर प्रॉब्लम्स जो हैं ये आपको सीखनी पड़ेंगी। नंबर छः पे आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आपके पास जो छठी चीज़ आती है दैट इज़ क्लॉक प्रॉब्लम्स। क्लॉक प्रॉब्लम्स के अंदर दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है क्लॉक का एंगल। आपको पता है क्लॉक के जो हमारे पास एनालॉग क्लॉक होता है उसके ऊपर सुइयां बनी हुई होती हैं, और एक को हम मिनट हैंड कहते हैं, एक को हम आर हैंड कहते हैं। तो जब ये मूव कर रही होती हैं इनके दरमियान एंगल बनता है। सो ज़िंदगी में तो इसका कोई काम हो ना हो, लेकिन यहाँ पे ये आपसे पूछ सकता है जी 10:30 हो गए हैं तो दोनों सुइयों के दरमियान एंगल कौन सा। सो इस तरह के क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। देन देयर कम्स टाइम डिफरेंस, लाइक पाकिस्तान का और ईरान का जो टाइम डिफरेंस है दैट इज़
वहाँ पे है GMT प्लस 4.5, हमारा है GMT प्लस 5। तो अब जो इन दोनों का डिफरेंस है, अब एक फ़्लाइट वहाँ से चली है जो कि 1.5 घंटा ट्रैवल करती है, वहाँ से चली है वो 1:30 AM पे, पाकिस्तान पे जब पहुँचेगी तो उस टाइम पे टाइम क्या होगा। तो इसके अंदर दो चीज़ें, एक टाइम लैप्स जो टाइम डिफरेंस है GMT का वो, प्लस जो ट्रैवल टाइम है, इन दोनों चीज़ों को काउंट करके आपने आंसर निकालना होता है। क्लॉक प्रॉब्लम्स इस तरह से दो तरह की होती हैं आपकी। ये मैंने आपको बताई हैं 7 और 6, कोई 13 तरह की चीज़ें बताई हैं। इन 13 के अलावा 7 या 8 टाइप्स और हैं जिनको अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये कोई 20+ हमारे पास टाइप्स बनती हैं। इन टाइप्स को अगर आप अच्छे से, अच्छा लेटर सीरीज़ और नंबर सीरीज़ भी बता देता हूँ आपको, ये भी पेपर में आ रहा होता है और ये तो PPSC में तो अक्सर आता है, लेकिन ये FIA के पेपर के अंदर भी इनमें से एक आधा सवाल पेपर में लाजमी आएगा, लेटर सीरीज एंड नंबर सीरीज। इस तरह वर्क शेयर प्रॉब्लम एंड लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ये कुछ 20-22 टाइप्स बनती हैं टोटल। और हर टाइप के अंदर जैसे हमारे पास ये जो चीज़ें हमने लिखी हैं तो 2-2, 3-3 सब टाइप्स हैं, तो टोटल यानी कि 60 के करीब 70 के करीब फार्मूलाज बनते हैं जिनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना होता है। जब आप उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो उसके बाद आपके ये मैथ्स के अंदर, अगर ये इंस्पेक्टर का पेपर है तो 20 out of 20 और असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर है तो 16 out of 16 मार्क्स इजीली आ सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि आप इस पे, इस सेक्शन पे मेहनत करें। वी विल मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट पोर्शन, मेरे साथ रहिएगा। सिलेबस का जो हमारे पास थर्ड पार्ट है, जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, उस पार्ट को हम लोग कहेंगे कि दिस इज जनरल साइंस। इसको EDS के नाम से भी जानते हैं। जो नेक्स्ट हमारा पोर्शन है दैट इज जनरल साइंस पोर्शन, और अगेन इसमें आपको बताया था मैंने कि AD के अंदर इसमें से 16 MCQs और इंस्पेक्टर के अंदर इसमें 20 MCQs आ रहे होंगे, 16 and 20। सो ये जो पोर्शन है इसके अंदर क्या आपका सिलेबस का पार्ट होगा, सिलेबस क्या होगा इसके अंदर मेरे साथ, ये आप देखेंगे। नंबर एक पे ये चीज़ आती है, बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। बेसिक्स से मुराद यहाँ पे ये नहीं है कि 6ठी 7वीं की, बेसिक्स से मुराद ये है कि FSC लेवल की बायो फिज़िक्स केमिस्ट्री पे आपकी हॉनो होनी चाहिए। प्लस नंबर दो पे जो चीज़ हमारे पास आ जाएगी डेट इज़ फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी। मेरी एक डिग्री इंटरनेशनल रिलेशंस में है, लेकिन एक डिग्री मेरी जो बेसिकली मैंने यूनिवर्सिटी से पढ़ी है दैट इज़ डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन। जब मैं DVM कर रहा था उस टाइम पे हमने फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी भी पढ़ी, दो के वी आर डंगर डॉक्टर्स, येट ये जो फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी जो हमने पढ़ी, जिस किताब से पढ़ी, उस किताब के पेजेस थे 2200 pages से जो किताब हमने उस टाइम पर पढ़ी थी। अब अगर एक आम आदमी जिसको मैं कहूं कि जनाब फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी प्रिपेयर करें, तो इसमें पेपर में कोई 3 से 5 MCQs आने हैं। अगर मैं किसी को ये कहूं तो वो कहेगा कि सर इसके लिए मैं क्या पढूं, और मैं उसे कहूं कि आप वो किताब पढ़ें जो हमने पढ़ी थी, गाइटन पढ़ी थी, तो गाइटन को आप पढ़ें, जो लोग मेडिकल से बिलोंग करते हैं उनको पता है, तो वो यही कहेंगे कि जी ये गाइटन, ये तो इतनी बड़ी किताब हम कैसे पढ़ सकते हैं। सो जब आप हमारे साथ पढ़ रहे होंगे, हम आपको बता रहे होंगे कि कैसे आप इसको फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी को प्रिपेयर कर सकते हैं विदाउट गोइंग फॉर दिस काइंड ऑफ 2200 pages बुक, तो आपने इसमें क्या क्या प्रिपेयर करना है। नंबर 3 पे आ जाएगी हमारे पास बेसिक्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ये बेसिक्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री जो है, इसको आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास जो चीज़ें हम खा रहे होते हैं और वो हमारी बॉडी का हिस्सा बन रही होती हैं, तो वो चीज़ें कैसे हम उनके जो बनने का तरीका होता है वो क्या होता है, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके अंदर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, विटामिन्स,
आपके प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाटर, फाइबर, ये चीज़ें आ रही होंगी, तो ये आपकी बेसिक्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री हैं। इस तरह से ह्यूमन बॉडी को जब हम पढ़ रहे होंगे, इसके अंदर हम बॉडी के सिस्टम्स पढ़ रहे होंगे और उसके मुतल्लिका जो चीज़ें एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती हैं एक वन पेपर के अंदर, तो दैट विल बी गुड। बेसिक्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री, प्रोसेसेस ऑफ नेचर, ये क्या होते हैं प्रोसेसेस ऑफ नेचर में हमारे पास आता है अर्थक्वेक, वॉल्केनो, उसके बाद आपके पास डिफरेंट तरह के स्टॉर्म आ जाते हैं, रेन आ जाती है, रेन वाटर साइकिल आ जाता है आपके पास, और इस तरह की जो दीगर चीज़ें हैं वो हमारे पास आ जाती हैं। इनको हम बेसिक्स ऑफ द प्रोसेसेस ऑफ नेचर कहते हैं, ये हमारे पास होता है। एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस जो है ये आपके एवरीडे साइंस का अब एक ज़रूरी पार्ट बन चुकी है कि हमारा एनवायरमेंट कैसे बना हुआ है और इस एनवायरमेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं, इसके अंदर लिविंग फैक्टर कौन से हैं, नॉन लिविंग फैक्टर कौन से हैं, पोल्यूशन क्या है, और उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, इस तरह की चीज़ें अगेन एनवायरमेंटल साइंस जो है आपके वन पेपर पार्ट का हिस्सा। और इसमें क्या होता है, बायोफिजिक्स केमिस्ट्री बेसिक्स हम कर चुके हैं और बेसिक्स यही है इसके अंदर। अब इसको अगर मैं फर्दर इलेबोरेट करना स्टार्ट करूं तो जब आप बायो पे जाएंगे तो बायो पे सेल कैसा होता है, सेल के बाद टिश्यूज़ क्या होते हैं, टिश्यूज़ के बाद आपके पास आ जाता है कि ऑर्गन कैसे होता है, ऑर्गन सिस्टम कैसे बनता है, ह्यूमन बीइंग कैसे वजूद में आ गए, मुख्तलिफ ह्यूमंस जब आपस में मिलते हैं तो उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ पॉपुलेशन जब एक सर्टेन एरिया में होती हैं उसे हम कम्युनिटी कहते हैं, उनका आपस में जो रिलेशन है, देन आपके पास इकोसिस्टम आ जाता है, इकोसिस्टम के बाद अगेन एनवायरनमेंट साइंस में लिखा चीज़ें आ जाएंगी। इस तरह अब बायोलॉजी के अंदर ही फर्दर आप देखें तो हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाती है कि कौन सा जानदार किस ग्रुप से बिलोंग करता है और उस ग्रुप की क्या खसूसियात हैं और वो कैसे मतलब वर्क कर रहे होते हैं। फिज़िक्स के अंदर आप आ जाएं, फिज़िक्स के अंदर जो प्रीडोमिनेंटली हमारे पास चीज़ें हैं उसमें नंबर एक पे हैं जो बेसिक लॉज ऑफ फिज़िक्स हैं, जिसमें तीन न्यूटन के लॉ हैं, आर्किमिडीज़ का लॉ है, इस तरह के बेसिक कवानीन हैं। देन आपके पास आ जाता है जहाँ पे हमारे पास जो फिज़िक्स के अंदर ही सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट हैं कि जैसे टाइम का यूनिट मिनट है या सेकेंड है, तो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ टाइम इज़ सेकेंड। मिनट्स में भी हम इसे मेजर करते हैं, घंटों में भी, दिनों में भी, लेकिन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट इसका सेकंड है। इस तरह एनर्जी का यूनिट जाउल है, दो के हम इसे कैलोरीज में भी मेजर कर रहे होते हैं। इसी तरह से आपके पास थर्ड आ जाता है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के अंदर एटम क्या होता है, एटम्स आपस में कैसे मिलते हैं, मॉलिक्यूल क्या होता है, पीरियोडिक टेबल की बेसिक्स आपको आनी चाहिए, देन देयर कम्स के आपको आना चाहिए कि हमने किस तरह से केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है, और यहाँ पे मैं फूड साइंस लिखना भूल गया हूँ, दैट वाज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पे छठे नंबर पे हमारे पास बेसिक्स ऑफ फूड साइंस, दैट इज़ आल्सो रिलेटेड टू आपके पास जो हमारे पास केमिस्ट्री है उसी से हम आगे फूड साइंस पे जा रहे होते हैं कि चीज़ें कैसे हम खाते हैं, कैसे उनको हम बॉडी में प्रोसेस करते हैं। सो ये हमारा अगेन थर्ड पोर्शन है, दैट इज़ असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए आपको ये 16 मार्क्स के लिए, इंस्पेक्टर के लिए 20 मार्क्स के लिए। मज़े की बात इसमें यह है कि अगेन इसके अंदर जो आपके नॉलेज होगा वो इसके अंदर वो स्टैटिक नॉलेज है, वो डायनामिक नहीं है। स्टैटिक नॉलेज का मतलब ये है कि जनाब यहाँ पे जो एक आप लोग एमसीक्यू तैयार कर लेंगे वही आंसर पेपर में रहना है। इसके ऊपर ये नहीं है कि अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए खुदा कितने हैं तो इस्लामियात में हमें आंसर वन करना पड़ेगा, एंड इफ़ वी आर लिविंग इन मसलन पारसी कम्युनिटी में रह रहे हैं तो हमें आंसर करना पड़ेगा मे बी टू। तो ये जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं ना साइंस वाले, इनका मज़ा ये है कि अगेन अगर इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है यू विल क्वालिफाई फॉर श्योर कि आप इसमें पूरे नंबर ले सकते हैं। ये हमारा जनरल साइंस वाला पोर्शन था। अगला हिस्सा मेरे साथ आ जाएं आप, जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज
जीके एंड करंट अफेयर्स, ये वो पोर्शन है कि जो इतना वास्ट है कि अगर आप इसको प्रिपेयर करने लगे हैं तो सालों तक प्रिपेयर करते रहें तो शायद ये मुकम्मल तौर पे तैयार ना हो। बट जिस बंदे ने कि एक वास्ट किस्म की स्टडी होती है, वो शख्स जब इसको प्रिपेयर करता है तो फॉर श्योर कि वो इसको क्या कर सकता है, इसमें अच्छे नंबर ले सकता है। आइए हम देखते हैं कि जो जीके और करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है, ये अगेन 20 मार्क्स इंस्पेक्टर के अंदर और 16 मार्क्स असिस्टेंट डायरेक्टर के अंदर एमसीक्यूज आने हैं इसमें से। इसमें मेरे साथ आप देखेंगे क्या क्या चीज़ें आती हैं और क्या क्या शामिल है। नंबर एक, सबसे पहले जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। नंबर दो हमारे पास आ जाएगी वर्ल्ड हिस्ट्री, जियोग्राफी देन हिस्ट्री। नंबर तीन पे आ जाएंगे हमारे पास स्पोर्ट्स। नंबर चार हमारे पास, ये इसको हिस्ट्री की सब बना लें, यहाँ पे वॉर्स, एम्पायर्स, एम्परर्स, हिस्ट्री में ही हमारे पास फर्दर क्या आ जाएगा, हमारे जियोग्राफी के बाद हिस्ट्री है, इसमें वार्स हैं, एम्पायर्स हैं, एम्परर्स हैं, मूवमेंट्स हैं, जैसे लिटरेचर के अंदर डिफरेंट मूवमेंट्स होती हैं। स्पोर्ट्स के बाद चौथी चीज़ हमारे पास आ जाती है इकोनॉमी। नंबर पाँच पे आ जाता है आपके करंट कन्फ्लिक्ट्स। करंटली गोइंग ऑन कन्फ्लिक्ट्स इसमें आ जाते हैं। नंबर छः पे आ जाता है आपका इंटरनेशनल ऑर्डर। इंटरनेशनल ऑर्डर के अंदर कौन से ममालक हैं, इनके आपस में कैसे ताल्लुकात हैं, एक मुल्क दूसरे मुल्क को कैसे इफ़ेक्ट करता है, यानी जो आपका इंटरनेशनल रिलेशंस है ये उससे मिलता जुलता इंटरनेशनल ऑर्डर एक आपका टॉपिक है। सोसाइटी, ये बड़ी वेग सी टर्म है सोसाइटी वाली ना, इसके अंदर अगर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊँ तो पोलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क, इन तीन सब्जेक्ट की बेसिक्स आती हैं सोसाइटी जब हम वर्ड यूज़ करेंगे। एंथ्रोपोलॉजी भी इसके अंदर आएगा। तो जब हम लफ्ज़ सोसाइटी इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारा करंट अफेयर्स का कैसे पार्ट बनता है, ये जब हम न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाएंगे उसके ऊपर पूरा एक लेक्चर होगा 25-30 मिनट का, तो उसमें मैं आपको बताऊँगा हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। तो उसके अंदर हम बताएंगे कि सोसाइटी हाउ दिस बिकम्स अ पार्ट ऑफ आर एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम्स। तो ये हमारा पोर्शन है ये वाला। अब ये 20 मार्क्स का है यहाँ पे, लेकिन मैं आपको जस्ट बता दूँ कि ये इंस्पेक्टर के लिए 20 मार्क्स का, असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए 16 मार्क्स का, लेकिन पीपीएससी के अंदर ये जो पोर्शन है ये करंटली कोई 40 प्लस मार्क्स का हो गया होगा। तो अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें तो पीपीएससी के एग्ज़ाम्स के अंदर 40 प्लस मार्क्स, और यहाँ पर आप कितने मार्क्स, 20 और 16 मार्क्स में ज़रा अच्छी जगह पर जा सकते हैं। हाँ, इंटरनेशनल ऑर्डर के अंदर आपके पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी आ जाएंगी, जिसे आप आईजीओस कहते हैं। इसी तरह से आपके पास इसमें फॉरेन पॉलिसी ऑफ डिफरेंट नेशंस भी आ जाएगी। तो ये डिफरेंट तरह की चीज़ें इसके अंदर पार्ट हैं। ये मैंने बिल्कुल इसको कंसाइज किया बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम। अगर मैं इसको सिर्फ बताने पे आऊँ तो हम इन टॉपिक्स को पढ़ते पढ़ते कुछ 6 महीने की क्लासें ले सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है। सेकेंड लास्ट पार्ट ऑफ टूडेज सेक्शन, दैट इज इस्लामिक स्टडीज। एट मार्क्स एडी के अंदर, 10 मार्क्स इंस्पेक्टर के अंदर, इस्लामिक स्टडीज के अंदर। इस्लामिक स्टडीज जो है ना, इसको आप डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला हिस्सा है प्री प्रॉफिट प्रॉफिट्स, इनका आपको पता होना चाहिए कुरान पाक के अंदर कितने अंबिया का जिक्र है, उनके क्या क्या वाक़ियात हैं, और उन वाक़ियात में ये, इसको पढ़ने के लिए जैसे कसस लंबिया किताब है वो पूरी पढ़नी पड़ती है।
देन हमें आइडिया होता है कि कौन कौन से हमारे पास यहाँ पे अंबिया मौजूद हैं। देन नंबर टू पे हमारे पास जो चीज़ आती है वो आती है प्री प्रॉफिट अरेबिया, कि अरब की सूरत हाल पैगंबर के आने से पहले क्या थी, पैगंबर के आने से पहले अरब की सूरत हाल क्या थी। नंबर तीन इंटरनेशनल ऑर्डर बिफोर प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, पैगंबर के आने से पहले दुनिया के अंदर बड़े हेजेमन्स कौन से थे। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले दुनिया में आपको पता है दो बड़े हेजेमन थे, एक ईरानी अम्पायर और दूसरी रोमन्स की अम्पायर। इसके साथ साथ जो भी लोग एग्जिस्ट करते थे उनको बारबेरियंस कहा जाता था, जिसमें आपके डेनमार्क वाली साइड पे वो जो वाइकिंग्स थे वो लोग आ गए, और इसी तरह से आपका ये जो है अरब वर्ल्ड था इसके लोगों को बद्दू कहा जाता था। सो दिस इज़ इंटरनेशनल ऑर्डर बिफोर प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम क्या था। रिलीजन दो तरह के हैं, एक वो हैं जिनको डिवाइन रिलीजन कहा जाता है। डिवाइन रिलीजन कौन से हैं, ऐसे रिलीजन जो क्लेम करते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से उनके ऊपर कोई नबी नाजिल हुए और उस नबी ने कोई वही दी और उस वही के नतीजे में वो रिलीजन वजूद में आया, जैसे इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुदाइज़म। ऑन दी अदर हैंड देयर आर सम रिलीजन्स जिनको हम नॉन डिवाइन रिलीजन्स कहते हैं, जो कि आसमान से नाजिल नहीं हुए हैं बल्कि वो रिलीजन विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप हो गए। जैसे बुद्धिज़्म है, बुद्धिज़्म के अंदर गौतम बुद्ध जो थे, सिद्धार्थ जिनका नाम था, ही वॉज नॉट अ प्रॉफिट, ही नेवर जो है ना ये कहा कि मैं प्रॉफिट हूँ, लेकिन वो बंदा क्या था, नॉन जो डिवाइन रिलीजन है उसका बानी था। हिंदुज़म है, जैनिज़म है, बुद्धिज़्म है, ये मैंने आपको बता दिए। इस तरह से जो एंशियंट रिलीजन था रेड इंडियंस का अमेरिका के अंदर, ये भी नॉन डिवाइन रिलीजन में आ जाता। सो ये हमारे पास रिलीजन थे, इनके बारे में हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। इसके बाद पैगंबर की ज़िंदगी आ जाती है सीरा। अब सीरा के लिए जो बेहतरीन बुक है जैसे रहीकल मखतूम है, अब वो बुक वैसे भी हमें पढ़नी चाहिए, बीइंग अ मुस्लिम भी हमें पता होना चाहिए। तो रहीकल मखतूम के अंदर लाइफ दो हिस्सों में डिवाइड होगी, एक लाइफ बिफोर माइग्रेशन, एक लाइफ आफ्टर माइग्रेशन। और जो लाइफ बिफोर माइग्रेशन जिसे हम मक्की ज़िंदगी कहते हैं, दैट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स। पहला हिस्सा जो है पहले ही पैदा होने से लेके 40 साल की उम्र तक, जिसके अंदर आपने नबूवत का ऐलान नहीं किया था, और फिर 40 साल से लेके 53 साल की उम्र तक जो आपने मक्का में गुजारे, तो उन 13 सालों का टाइम है। देन 53 साल की उम्र में आपने माइग्रेट किया, वो मदनी ज़िंदगी स्टार्ट होगी। 53 साल से 63 साल की जो उम्र है वो सीरा में आती है। इसको डिटेल्ड पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि हमारे MCQs इसमें से आ रहे होते हैं। मुसलमानों के अंदर जो पहले चार खुलाफा हैं, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, मौला अली अस्सलाम, ये जो चार खुलाफा हैं इनको खलीफा राशिद के नाम से जाना जाता। ये जो चार खुलाफा हैं इनको इनकी खिलाफत को, इनका रिन जो था, इनका जो पीरियड था, उसे खिलाफत राशिदा के नाम से जाना जाता है। तो इस दौर के अंदर मुसलमान कैसे थे, ये हमारे सिलेबस का पार्ट होगा। कुरान पाक एक बुक की शक्ल में मौजूद नहीं था अकॉर्डिंग टू, बहरहाल इस पर डिसएग्री किया जा सकता है, लेकिन कुरान पाक एक बुक की शक्ल में मौजूद नहीं था टिल द टाइम पीरियड ऑफ हज़रत उस्मान। तो हज़रत उस्मान को जामे अल कुरान कहा जाता है। इसकी जो कंपाइलेशन के दौरान जो जो काम हुए ये MCQs में पूछे जा सकते हैं। उमैयद, इसके बाद बनू उमैया का दौर आता है, जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम जो हैं जब उनकी शहादत हो जाती है, उसके बाद इमाम हसन 14 माह के लिए खलीफा बनते हैं। इमाम हसन का एक एग्रीमेंट होता है अमीर माविया के साथ, ये जो एग्रीमेंट होता है, इस एग्रीमेंट के बाद ये जो उमैयद्स हैं ये पावर में आ जाते हैं, और इनकी अपोजिशन में कोई स्ट्रॉन्ग किस्म का हमारे पास ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता। उमैयद्स के ख़िलाफ़ जो लोग खड़े हुए उनमें पहले थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, फिर जो दूसरा बंदा आता है वो है अब्दुल्ला बिन जुबैर, जिसको जुबैरीज कहते हैं।
फिर आता है मुख्तार इबन उबैदा सकफ़ी, देन आपके पास आ जाते हैं जो आखिरी नंबर पे वो हैं अब्बासी, अब्बासी आ जाते हैं। ये जो अब्बासी आ जाते हैं तो अब्बासियों को आके जो हटाता है वो मंगोल आके हटाते हैं। ये अब्बासी जो हैं इनके दौर के अंदर भी मुख्तलिफ तरह ग्रुप सामने आते रहे, जिनके अंदर एक फ़ातिमी थे, इसी तरह से एक ग्रुप था इनका जिनको आप कहते थे अब्बासीज़ के बाद फ़ातिमीज़, और उमैयस जो थे वो इनके दौर में भी एग्जिस्ट करते थे। एट द सेम टाइम इनके दौर में अब्बासियों के दौर के अंदर ही यहाँ पे दिल्ली सल्तनत बन गई और ईरान के अंदर सफवी एम्पायर बन गए। अब ये जो अब्बासी थे ये इराक से रूल कर रहे थे, फ़ातिमीज़ इनके ख़िलाफ़ इजिप्ट में आ गए, उमैयद इनके ख़िलाफ़ स्पेन में आ गए, दिल्ली के अंदर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन गया एक, उसके बाद सफवी एम्पायर बन गई। ये अफ़गानिस्तान से दिल्ली एम्पायर जो थी स्टार्ट में ऑपरेट होती थी, देन सफवी ईरान के अंदर आ गए, तो ये अब्बासीज़ आ गए। अब्बासियों के बाद यहाँ पर आपके आ जाते हैं मंगोल्स, और मंगोल्स के पैरेलल आपके पास आ जाती है ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर चलती रहती है, ऑटोमन एम्पायर का खात्मा होता है 1924 में थ्रू द ग्रैंड नेशनल असेंबली ऑफ टर्की जो है इसको अबॉलिश कर देती है। उसके बाद से ऑनवर्ड हमारे पास जो करंट सिचुएशन है इसके अंदर हमारे पास जो चीज़ें आई थी वो OIC आ जाती है, हमारे ECO जो है ये मुसलमान मुल्कों की तंजीम है, गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल जो है ये GCC है इनकी, और ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कोऑपरेशन है ECO है, GCC है, एंड दैट्स ऑल इस्लामियात के बारे में ये चीज़ें हैं। तो इनको अगर हम अच्छे से प्रिपेयर करेंगे वी विल फॉर श्योर इस काबिल हो जाएंगे कि इसमें से अच्छे मार्क्स ले सकें। लास्ट पार्ट टुडेज लेक्चर पाकिस्तान स्टडीज। पाकिस्तान स्टडीज़ को आप प्रीडोमिनेंटली तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अफेयर्स। हिस्ट्री के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ इराज़ हैं। नंबर एक पे हमारे पास है प्री मुस्लिम हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, नंबर दो फिर मुस्लिम इन्वेडर्स, इनका हमें पता होना चाहिए, नंबर तीन दिल्ली सल्तनत, नंबर चार पे हमारे पास आ जाएगा मुगल रूल, नंबर पांच पे जो चीज़ आएगी वो है ईस्ट इंडिया कंपनी, नंबर छः पे ब्रिटिश राज, नंबर सात पे पाकिस्तान मूवमेंट, नंबर आठ पे इनिशियल ब्यूरोक्रेटिक डोमिनेंस, फिर नंबर नौ पे पहला मार्शल लॉ, नंबर दस पे भुट्टो रिजीम, नंबर ग्यारह पे ज़ियाउल हक, नंबर बारह पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, नंबर तेरह पे मुशर्रफ रिजीम एंड वॉर ऑन टेरर, नंबर चौदह पे पोस्ट मुशर्रफ PP एंड एन लीग गवर्नमेंट्स और करंट गवर्नमेंट। ये हमारे पास हिस्ट्री वाले पोर्शन में आ जाएगा। अब देखें इसके अंदर प्री मुस्लिम जो हैं कोई 8-10 हज़ार साल पहले जब यहाँ पे इंसान आबाद हो गए तो वहाँ से लेके तो 712 तक हमने एक इरा रखा क्योंकि उसके गिने चुने MCQs बनते हैं। देन हमने मुस्लिम इन्वेडर्स इनको एनलिस्ट करना है और फिर उनको देखना है उन्होंने कब कब हमले किए, इनके मुकाबले में यहाँ से सन्स ऑफ द सॉयल कौन थे। देन दिल्ली सल्तनत आ गई, इन लोगों के अंदर मुख्तलिफ तरह के ख़ानदान थे, पहले नंबर पे ममलूक डायनेस्टी, दूसरे नंबर पे खिलजी, तीसरे पे तगलक,
चौथे पे सैयद, पांचवें पे लोदी डायनेस्टी, ये आ जाती है। देन मुगल्स आ जाते हैं। मुगल्स दो तरह के हैं, ग्रेटर मुगल्स एंड लेटर मुगल्स। 1526 से लेके 1707 तक के जो मुगल्स हैं इनको ग्रेटर मुगल्स कहा जाता है। 1707 से 1857 तक के जो मुगल्स हैं इनको लेटर मुगल्स कहा जाता है कि ये किसी काम के नहीं थे। देन ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी दो हिस्सों में ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर है। पहला कि मुगल पीरियड के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे एक्सपेंशन की। देन जब 1757 की बैटल ऑफ प्लासी हो गई उसके बाद से लेके 1858 तक इन लोगों ने 101 सालों के अंदर कैसे पूरे इंडिया को काबू किया। देन फिर आपकी 1857 की जंग आज़ादी और उसके नतीजे में आपके यहाँ पे ब्रिटिश राज आता है और 47 तक 90 साल ब्रिटिश राज रहता है। ब्रिटिश राज के दौरान यहाँ पाकिस्तान मूवमेंट चलती है जिसके अंदर राइज ऑफ नेशनलिज्म होता है पहले, उसके बाद आपकी मुस्लिम लीग बनती है, उससे पहले आपकी कांग्रेस बनी हुई होती है और उसके बाद ये मूवमेंट चलती है पाकिस्तान मूवमेंट 47 तक आपके एग्जैक्ट इसकी डेट हैं। देन आपके यहाँ पाकिस्तान बन गया, यहाँ पे पहले ब्यूरोक्रेट्स ने राज करना शुरू कर दिया लियाकत अली खान और कायद अजम के बाद, और 58 तक वो करते रहे। 58 से लेके 71 तक ये मार्शल ला का दौर रहा। देन भुट्टो आ गया, 77 तक ये रहता है, फिर 77 से 88 तक ज़िया रहता है, 88 से लेके 99 तक फिर ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का दौर है जिसमें दो बार पीपी, दो बार नून लीग आती है। देन आपके पास यहाँ पे मुशर्रफ आ जाता है, वॉर ऑन टेरर स्टार्ट हो जाती है। देन यहाँ पे पोस्ट वॉर ऑन टेरर एक दौर जरदारी साहब का, एक नवाज शरीफ साहब का और एक अब इमरान खान साहब का ये दौर चल रहा है। तो ये पूरी हिस्ट्री है हमारी, इसको हमें एक टाइमलाइन की शक्ल में पूरी इस पर ग्रिप होनी चाहिए इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स। ये जो हिस्ट्री है ये सिर्फ आपके पाकिस्तान अफेयर्स में 5-7 नंबरों के लिए नहीं आ रही है। ये हिस्ट्री आपने कल को जब इंटरव्यू में जाना है तो इसी में से क्वेश्चन होने हैं। सो जिसने अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ होगा तो वही इस बंदे को इसको लेके आगे चल सकेगा। सेकंड पार्ट इज़ हमारा जियोग्राफी। जियोग्राफी इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू थिंग्स, एक है आपकी पॉलिटिकल जियोग्राफी और दूसरी है आपकी फिजिकल जियोग्राफी। पॉलिटिकल जियोग्राफी से मुराद होता है कि आपके मुल्क के अंदर कैसा पॉलिटिकल सिस्टम है। सो वी आर अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, तो ये कैसे यहाँ पे वजूद में आए। 73 का आइन, 56 का आइन, 62 का आइन, फिर उसमें अमेंडमेंट्स और रीसेंट जो सबसे लैंडमार्क अमेंडमेंट है दैट इज़ 18th अमेंडमेंट, उसका आपको आइडिया होना चाहिए। सो दिस वाज दैट। देन अफेयर्स आपके दो तरह के हैं। नंबर एक आपके डोमेस्टिक अफेयर्स है जैसे बलूचिस्तान क्राइसिस है, जैसे आपका फाटा इशू है, फाटा मर्जर का प्रॉब्लम है, जैसे आपके यहाँ इकोनॉमी का प्रॉब्लम है, इस तरह की चीज़ें, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए, बजट होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें। डोमेस्टिक अफेयर्स के बाद दूसरे नंबर पे आ जाते हैं आपके फॉरेन अफेयर्स। फॉरेन अफेयर्स में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कश्मीर इशू, इंडियन हेजमनी इन द रीजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अफगानिस्तान पीस प्रोसेस जो कि अभी एक अफगानिस्तान के अंदर बहुत बड़ी वॉर स्टार्ट होने जा रही है और ये जो वॉर है इसके अंदर तालिबान जो है वो बहुत सारे शहरों पे कब्जा कर चुके हैं। एंड व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, कल अब जो लाहौर में ब्लास्ट हुआ है तो उस पर आपको आइडिया हो गया होगा कि पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह की हरकतें दोबारा स्टार्ट होने के चांसेस मौजूद हैं। सो ये आपके जो फॉरेन अफेयर्स हैं ये कंप्लीट के कंप्लीट हमारे दूसरे मुल्कों के साथ ये इसका पार्ट होंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट सिलेबस। आखिरी पार्ट इसके अंदर जो आपका है दैट इज़ जस्ट फॉर आपके पास असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए है, दैट इज़ आपका FIA का एक्ट। ये इंस्पेक्टर का पार्ट नहीं है। ये 74 या 75 के अंदर जो FIA का एक्ट आया है, इस एक्ट की कितनी क्लॉजेज हैं, कौन सी क्लास किस चीज़ को डील करती है और इसके अंदर कुछ चीज़ें CRPC और PPC से मुतल्लिका भी हैं। CRPC क्या है, हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। PPC क्या है, पाकिस्तान पिनल कोड, जो कि पहले IPC था 1860 में ये आया था, इसके अंदर वो सारे जो सज़ाएँ और उनसे मुतल्लिका बातें लिखी हुई हैं। तो ये 74-75 का हमारे पास एक्ट है, इसका और CRPC और PPC से मुतल्लिका जो बातें इस एक्ट का पार्ट हैं वो इस के MCQs में पूछी जा सकती हैं। अगेन ये गिनी चुनी चीज़ें हैं, अच्छे से प्रिपेयर करें तो 16 out of 16 इसमें भी आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। दिस वॉज ऑल अबाउट FIA इंस्पेक्टर एंड FIA असिस्टेंट डायरेक्टर। इसके लिए ये होगा आपका स्क्रीनिंग टेस्ट। जो लोग स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई करेंगे एक सीट के अगेंस्ट 10 बंदे, यानी कि कोई 1400 प्लस लोग इंस्पेक्टर के लिए पास करेंगे
और 90 लोग आपके एडी के लिए पास करेंगे। इन लोगों को 1400 लोग ये और 90 लोग ये, इनको बुलाया जाएगा एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो होगा, दोनों का सिलेबस सेम होगा, हो सकता है टेस्ट भी सेम एक ही हो। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा 100 नंबर का। उस 100 नंबर के ऐसे में जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा, दैट विल बी इंग्लिश ऐसे। जिस बंदे ने इंग्लिश अच्छे से प्रिपेयर की होगी तो वो बंदा इसको आंसर कर सकेगा, ये होगा 40 मार्क्स का। नंबर 2 पे आएगा आपका करंट अफेयर्स का एक सवाल जो कि 15 नंबर का होगा। फिर आ जाएगा आपका पाकिस्तान अफेयर्स का एक सवाल, ये भी 15 नंबर का होगा। फिर चौथे नंबर पे आ जाएगा पाकिस्तान अफेयर्स का सवाल, ये भी 15 नंबर का। और पांचवें नंबर पे एक सवाल अटेम्प्ट करना होगा आपने, वो होगा इस्लामिक स्टडीज। ये भी 15 नंबर का। टोटल ये 100 नंबर का पेपर होगा। जो बंदा इसमें 40 या 50 जो भी वो पासिंग मार्क्स डिसाइड करें वो लेंगे। आउट ऑफ दीज 1400 प्लस पीपल फ्रॉम द स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ इंस्पेक्टर, वो जो पूरा हमने डिटेल्ड सिलेबस कवर किया, और वो जो डिटेल्ड सिलेबस होगा वो आपको आना चाहिए इंग्लिश एस्से के लिए भी, करंट अफेयर्स के लिए भी, पाकिस्तान अफेयर्स के लिए भी, इस्लामिक स्टडीज़ के लिए। तो यानी ये डिस्क्रिप्टिव की तैयारी भी हमारी इन क्लासेस में साथ ही हो जाएगी, जो हम कंटिन्यू करने का इरादा रखते हैं यहाँ पे आपके साथ इस campus.pk एंड प्लस हम लोग जो अपने पर्सनली जो मैं अपनी अकेडमी में भी आपको पढ़ा रहा होता हूँ, तो यहाँ पर आप इसको चला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।